हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। आज हम लोग फ्रैक्शनल वाले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा EF.B1 base 16, ये हेक्साडेसिमल में, इसे base 10 डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा EF.B1 base 16 से base 10 में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम लोग क्वेश्चन को अलग अलग लिखेंगे, EF.B1। अब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड 16 का पावर इंक्रीज करेगा, जैसे कि 16 पावर 0, 16 to the power 1, अगर यहाँ पे कुछ होता तो 16 पावर 2। और फिर पॉइंट के राइट हैंड साइड 16 का पावर डिक्रीज करेगा, तो ये 0 है तो 16 to the power -1, 16 to the power -2। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 16 to the power -2 से, b को 16 to the power -1 से, f को 16 to the power 0 से, e को 16 to the power 1 से, और जितना आएगा सबको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 1 × 16 to the power -2 होगा, 16 to the power -2 को लिख सकते हैं 1/16 to the power -2 को ऐसे लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर था 256। फिर हमारा b × 16 to the power -1, तो b/16 इसे लिख सकते हैं। फिर f × 16 to the power 0, 16 to the power 0 हो गया 1, यानी कि हो गया f1 × f प्लस e × 16 to the power 1, तो ये होगा 16e प्लस, इस ऊपर लिख दिया मैंने थोड़ा। अब हम लोग लिखेंगे e को हम लोग लिखते हैं 14, हेक्साडेसिमल में e को हम लोग 14 लिखते हैं। ये है 10 को a, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 16 × e को हम लोग लिखते हैं 14 प्लस f को हम लोग लिखते हैं 15 प्लस b को लिखते हैं हम लोग 11 upon 16 प्लस ये 1/256। तो ये हमारा हो गया 16 × 14, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 15 प्लस 1/16 को हम लोग लिख सकते हैं 0.0625, ये 11 × 11 प्लस 1/256 को लिख सकते हैं 0.0039। अब इसे 2 × 4 प्लस 15 प्लस इसे हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.6875 प्लस ये हो गया 0.0039। अब इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 239.6914 base 10। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये आंसर हो गया हमारा 239.6914। ये हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.59a, ये हेक्साडेसिमल में, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.59a, ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अलग लिख लेंगे 0.59a। पॉइंट के इधर 16 का पावर 0, यहाँ पे कुछ होता तो 16 पावर नीचे उसका 1 होता, और पॉइंट के राइट हैंड साइड 16 पावर डिक्रीज करता है, तो 16 पावर -1, 0 से -1, फिर 16 पावर -2, फिर 16 पावर -3। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 16 पावर -3 से, 9 को 16 पावर -2 से, 5 को 16 पावर -1 से, 0 को 16 पावर 0 से, और सबको जितना आएगा सबको ऐड कर देंगे। तो a × 16 पावर -3, 16 to the power -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/16 का क्यूब, तो हो गया ये a into
वन अपॉन सिक्सटीन का क्यूब प्लस ये नाइन इंटू सिक्सटीन पावर माइनस टू को लिख सकते हैं नाइन अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस ये फाइव अपॉन सिक्सटीन प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए इंटू सिक्सटीन का क्यूब हो जाएगा फोर ज़ीरो नाइन सिक्स प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन का स्क्वायर हो जाएगा टू फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव अपॉन सिक्सटीन ये प्लस ज़ीरो। तो ए को हम लोग यहाँ पे टेन लिखते हैं, तो ए को हम लोग यहाँ पे टेन लिख सकते हैं। ए को हेक्साडेसिमल में टेन लिखा जाता है, तो यहाँ पे टेन लिख दिए और इसे डिवाइड करेंगे तो इसे ये हमारा आएगा 0.0024 प्लस नाइन अपॉन टू फिफ्टी सिक्स आएगा 0.0351 प्लस फाइव अपॉन सिक्सटीन ये हमारा आएगा 0.3125। ये डिवाइड करके मैंने अप्रॉक्स में लिखा है, इसके आगे और कुछ होगा लेकिन मैंने यहीं पे अप्रॉक्स नंबर लिखा है। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 0.35 ये बेस्ट टर्म में, तो आंसर हो गया हमारा 0.35। ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा 2A.4F, ये हेक्साडेसिमल में से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप इसे सॉल्व करके कमेंट में हमें अपना आंसर बताएं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।